नमस्कार दोस्तों, यह वर्णमाला का तीसरा पार्ट है। यदि आप लोग पहला और दूसरा पार्ट को नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाकर देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न है आपका, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है। तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है आपसे बड़ी स, स, स और ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो इस ऑप्शन में ऊष्म व्यंजन नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी ग ऊष्म व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न, स स स खाली स्थान के अंतर्गत आते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से है? तो ऑप्शन नंबर ए स स स क्या व्यंजन कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी ऊष्म व्यंजन नहीं है, ल ऊष्म व्यंजन नहीं है, बाकी ऑप्शन ऊष्म व्यंजन है। अगला प्रश्न देखिए, ऊष्म वर्ण है? तो ऑप्शन नंबर बी स स स ऊष्म व्यंजन है। अगला प्रश्न, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन ऑप्शन नंबर ए अ ऊष्म व्यंजन है। अगला प्रश्न, उच्चारण की दृष्टि से स स स व्यंजन किस प्रकार के हैं? तो ये ऊष्म व्यंजन प्रकार के हैं, ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं स स स को। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से है? ऑप्शन नंबर डी स स स और ह ऊष्म व्यंजन है। अगला प्रश्न, र वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? ऑप्शन नंबर बी त प्लस र के सहयोग से ही क्या बनता है? त्र बनता है। अगला प्रश्न, छ वर्ण किसके सहयोग से बनता है? छत्री का छ है वर्ण किसके सहयोग से बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए क प्लस स के सहयोग से क्या बनता है? छ बनता है। अगला प्रश्न, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है? ऑप्शन नंबर ए स्र, स्र क्या वर्ण है? संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न, संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है? ऑप्शन नंबर बी ज प्लस ज प्लस ज्ञ से बनता है ज्ञ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी स संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न, स्र एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी स और र वर्णों के मेल से ही स्र बनता है। अगला प्रश्न, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए यह संयुक्त व्यंजन नहीं है, यह को अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी था नासिक व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न, जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्या व्यंजन कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। अगला प्रश्न, व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है? तो ऑप्शन नंबर बी क्यारी। गुच्छ वाला व्यंजन किसे कहते हैं? याद रखना, दो व्यंजन के संयोग से बनते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? गुच्छ व्यंजन कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्यारी गुच्छ व्यंजन है। अगला प्रश्न, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी ग। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? ऑप्शन नंबर ए क अल्प प्राण ध्वनि है। अगला प्रश्न, किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है? ऑप्शन नंबर सी अल्प प्राण। अगला प्रश्न, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? ऑप्शन नंबर सी च अल्प प्राण है। अगला प्रश्न, जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है, इन ऑप्शन में अल्प प्राण कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए ख अल्प प्राण नहीं है, ख महाप्राण है।
प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? तो ऑप्शन नंबर डी अ घोष महाप्राण है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में अघोष महाप्राण ध्वनि है? ऑप्शन नंबर ए ख। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये अशुद्ध कथन है। यही आंसर है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये गलत कथन है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी ज, ज जो है महाप्राण ध्वनि नहीं है, ये अल्प प्राण ध्वनि है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सभी महाप्राण वाणों का समूह है? सभी महाप्राण वाणों वाला समूह है, ऑप्शन नंबर ए ख छ ठ। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? ऑप्शन नंबर बी ह महाप्राण है। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, ये महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है, महाप्राण। अगला प्रश्न, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांच वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, तो दूसरे और चौथे वर्ण को क्या कहा जाता है, महाप्राण व्यंजन कहलाता है। पहला तीसरा और पांचवा को अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, और दूसरे और चौथे व्यंजन को क्या कहते हैं, महाप्राण व्यंजन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क व्यंजन है, क अघोष व्यंजन है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? ऑप्शन नंबर ए च अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? क अघोष वर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न, अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी स अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए प अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुलेमित है? तो ऑप्शन नंबर सी स व्यंजन है, यही सही है, बाकी गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रियों से बिना टकराए बाहर आती है? ऑप्शन नंबर बी अघोष। अगला प्रश्न, जिन व्यंजनों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में जिन व्यंजनों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा ना हो, उन्हें कहते हैं, उन्हें अघोष कहते हैं। अगला प्रश्न, सघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी व सघोष वर्ण है। अगला प्रश्न, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ज घोष वर्ण है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं? ऑप्शन नंबर सी 52। अगला प्रश्न, वह वर्ण है तो ये दंतोष्ट्य वर्ण है। अगला प्रश्न, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं, उसे एक कहते हैं। अगला प्रश्न, अयोगवाह कहा जाता है, विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में अम और अह क्या है? तो हिंदी वर्णमाला में अम और अह अयोगवाह है। अगला प्रश्न, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, याद रखना, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। अगला प्रश्न देखिए, अयोगवाह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी अनुस्वार एवं विसर्ग को क्या कहा जाता है, वह कहा जाता है। अगला प्रश्न, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश
स्वर में नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर बी, अम और अह। अम और अह को अव्यवाह कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।